हाय, मैंने अपनी ज़िंदगी में लोगों से बहुत कटवाया है, बट आज खुशी खुशी अपना कटवाने वाली हूँ। मैं बात कर रही हूँ अपने बालों की, कलर करवाऊंगी, साथ में कट भी करवाऊंगी। जैसे मैंने सैलून में एंट्री करी, इतनी कमियाँ बताई मेरे बालों में कि मेरे बाल शर्मों से खुद गिर गिर के बाहर आने लगे कि मैं नहीं रहूंगा तेरे। जैसे तैसे अपने बालों को मैंने कन्विंस किया और मैंने बोला मुझे ये वाला कलर करवाना है। जीते जाते इंसान को सफेद चादर पहना दी, उसके बाद ये देखो कितना सुंदर वाला हेयर स्टाइल, इतना बोझ लाद दिया मेरे सर पे कि मैं खुद झांक झांक के देख रही थी मैं जिंदा हूँ या फिर मर गई। लड़कियों के सर पे क्या कम बोझ है, वैसे भी लड़की होना एक बोझ है। बाय द वे गाइस, इतना ज्यादा मैं शॉक्ड रह गई, ये घोड़े की पूछ वाला मैं कलर करवाने आई थी। ये कलर करवा के अपने घर पे चली गई तो मेरी मम्मी दूसरा मुंडन करवा देगी। लास्ट प्रोसेस में मौत का खेल होने वाला है। अब इन लोगों के दिल नहीं पत्थर हैं, अब मेरे पास तो दिल है ना। 7 साल बाद अपने बाल कट करवा रही थी, मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। मैं सच बता रही हूँ, मैंने कभी भी बाल कट नहीं करवाया। इस ब्लॉग को डालने का रीजन बस एक ही था, आप लोग अगर कलर करवाने का सोच रहे हो तो प्लीज मत करवाना, बाल बहुत ज्यादा डैमेज होते हैं, बहुत ज्यादा टूटने लग जाते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम कराया और मैं बहुत ज्यादा पछताती हूँ आज की डेट में।